भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगी सपा व्यापार सभा। समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भाजपा सरकार की पोल खोली जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि व्यापार सभा के नगर कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कभी जीएसटी के नाम पर तो कभी अन्य मुद्दों पर वह व्यापारियों को उत्पीड़न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं व्यापारियों को भी चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा है। कई प्रकार के टैक्स लगाकर भाजपा सरकार व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। सपा व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इन सभी मुद्दों पर पुनः विचार करते हुए व्यापारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, इसलिए पदाधिकारी व कार्यकर्ता जी जान से जुट जाए। बताया कि भाजपा पोल खोल अभियान सपा व्यापार सभा शीघ्र चलाने जा रही है। देखिए, आज हम लोग औरैया की सरजमीन पर समाजवादी व्यापार सभा और रैया की जिला कार्यकारिणी की हम लोग ने घोषणा की है। सभी नए पदाधिकारियों का हम लोग ने स्वागत किया है और हम लोग अब हर कस्बे, हर बाजार में और रैया के हर जगह पर व्यापारी चौपाल, व्यापारियों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ, उनकी नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन की विफलता, बढ़ते अपराध और जितने भी उन्होंने झूठे वादे व्यापारियों से, किसानों, युवाओं से किए हैं, उनको हम लोग उजागर करेंगे और इसी की रणनीति बनाने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ को हर दुकान, हर व्यापारी तक पहुँचाएं, ताकि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने। आज प्रदेश का व्यापारी भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आज प्रदेश का व्यापारी अपने व्यापार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। हर जिले में समाजवादी पार्टी से व्यापारी जुड़ रहा है और 2022 में आप देखेगा निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने नगर व जिला कार्यकारिणी का गठन किया। बताया कि नगर औरैया की जिम्मेदारी आशीष अग्रवाल को सौंपते हुए उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।